सो हेलो एवरी वन एंड वेलकम बैक टू नीट यू जी इन टेन माई नेम इज बिपिन कुमार शर्मा एंड आई एम योर बायोलॉजी मैं टॉर इन दिस पर्टिकुलर वीडियो वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट द दश एनालिसिस इन लास्ट वीडियो वट वी हैव टॉक्ट अबाउट इज द एनालिसिस ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हम लोगों ने वहाँ पर क्या किया था हम लोगों ने एक छोटा सा एक्सपेरिमेंट करने की कोशिश की थी यहाँ पर हमने क्या लिया हमने पूरा का पूरा आपका एक टिशू लिया इस टिश्यू को हमने ग्राइंड कर लिया ओके okay, इस टिश्यू का हमने सबसे पहले डिसॉल्व किया ट्राईक्लोरोसिटिक एसिड एसेट के अंदर ट्राईक्लोरो एसिटिक एसिड एसेट के अंदर यू you नो know, इसको हमने मिक्स किया और इसके हमने दो फ्रैक्शन तैयार कर लिए एसिड सॉल्युबल एंड एसिड इनसॉल्युबल जिनको आप लोग कह रहे थे फिल्ट्रेट और द रिटेंटेट ये बात हम लोग कर चुके थे So, यहां पर आपको ऑर्गेनिक कंपाउंड्स तो देखने को मिल जाएंगे कि आपके सेल के अंदर या टिश्यू के अंदर कौन कौन से प्रेजेंट हैं लेकिन इनऑर्गेनिक के लिए आपको थोड़ा सा डिस्ट्रक्टिव मेथड जो है वो यूज करना पड़ेगा जिसको आप लोग एश एनालिसिस मेथड बोलते हो सो so, उसके बारे में हम लोग आज पढ़ने वाले हैं राइट तो चलिए बात करते हैं एंड लेट्स क्रैकेट गाइज सो दिस आर सम क्रेडेंशियल ऑफ माइंड यू कैन हैव अ लुक इफ यू वॉन्ट अदरवाइज लेट्स प्रोसीड यू कैन ऑल्सो गेट कनेक्टेड टू अस वैडमीज लर्निंग एप दिस एप इज फ्रीली अवेलेबल ऑन गूगल प्ले स्टोर यू जस्ट हैव टू इंस्टॉल दिस ऐप यू जस्ट नीड टू गो टू द नीट यू जी सेक्शन एंड यू नीड टू क्लिक ऑन गेट सब्सक्रिप्शन आफ्टर दैट जैसे ही आप लोग गेट सब्सक्रिप्शन पे क्लिक करेंगे यू विल बी गेटिंग ऑल आवर सब्सक्रिप्शन पैकेजेस ऑन योर स्क्रीन आई रिकमेंड यू गाइस कि आप लोग एक साल या दो साल का सब्सक्रिप्शन पैक ऑप्ट करें ये आपको कंपैरेटिवली सस्ते पड़ते हैं और आप इन्हें पास ऑन भी कर सकते हैं समझ लीजिए आपने एक महीने का एक पैक लिया विपिन नाम का कोड अप्लाई किया टेन आपको डिस्काउंट मिला तो भी आपको पांच पर मंथ पे करने पड़ेंगे लेकिन इसी के कॉन्ट्रास्ट में अगर आपने दो साल का एक पैक लिया विपिन नाम का कोड अप्लाई किया टेन परसेंट आपको डिस्काउंट मिला तो आपको सिर्फ थर्टीन हंड्रेड रुपीज पे करने पड़ेंगे यानी आपकी मंथली कॉस्ट पांच गुना कम हो जाएगी इसके साथ अगर आप विपिन कोड यूज करते हैं एक या दो साल का सब्सक्रिप्शन लेते हैं और स्क्रीनशॉट मेरे सोशल मीडिया हैंडल्स पर भेज देते हैं जो कि मैं आपको लास्ट स्लाइड में दिखा दूंगा तो आपको मेरा एक साल का मेंटोरशिप पैक मिल जाएगा मेरे सारे पी डी एफ नोट्स मिल जाएंगे मेरी सारी इंपॉर्टेंट पीपीटीज जो मैं आपको पढ़ाने के लिए तैयार करता हूँ इंपॉर्टेंट डीपीपीज एंड क्वेश्चन बैंक भी आप लोगों को साथ साथ मिलते जाएंगे तो प्लीज मेक श्योर कि आप लोग विपिन कोड का यूज करें और अपने दोस्तों को भी इस कोड के बारे में जरूर बताएं सो एश एनालिसिस में हम लोग क्या करते हैं एश एनालिसिस में हम लोग इनऑर्गेनिक कॉन्स्टिट्यूएंट्स की चर्चा करते हैं बिकॉज एश में आपके इनऑर्गेनिक मैटिर ही प्रेजेंट होते हैं तो so, यहां पर क्या हुआ समझ लो आपका पूरा का पूरा टिश्यू है अब टिश्यू के अंदर क्या है ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक वाटर सब कुछ प्रेजेंट है अब इस टिश्यू का आप लोग क्या करते हो इस टिश्यू का आप लोग ड्राई करते हो जब आप इसे ड्राई करेंगे तो आपका वाटर कंटेंट जो है वो आपका माइनस हो जाएगा सो आपका बचेगा क्या यहां पर ऑर्गेनिक कॉन्टेंट बच जाएगा प्लस इनऑर्गेनिक कॉन्टेंट बच जाएगा राइट आप क्या करेंगे अब आप इस कॉन्टेंट को जला देंगे यानी यू विल बी ड्राइंग दिस पर्टिकुलर कॉन्टेंट विद द हेल्प ऑफ द हॉट टेम्परेचर और द हीट तो जब आप इस पर्टिकुलर कंटेंट को हीट करेंगे तो आपके ऑर्गेनिक कंपाउंड जो है ये आपके CO2 और H2O की फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएंगे और फर्दर जो है आपकी डिहाइड्रेशन हो जाएगी और कार्बन के जो कंपाउंड्स थे यानी ऑर्गेनिक जो कंपाउंड थे वो यहाँ से निकल जाएंगे तो बचेगा क्या आपकी राख बचेगी यानी आपकी ऐश बचेगी जिसमें आपके इनऑर्गेनिक आयन्स जो है ये प्रेजेंट रहते हैं फिर आप इस राख का फर्दर टेस्ट कर सकते हो और आप ये पता लगा सकते हो कि इसके अंदर कौन कौन से इनऑर्गेनिक आयंस आपके मौजूद हैं सोडियम है कैल्शियम है मैग्नीशियम है सल्फेट है फॉस्फेट है सारी चीजें आप लोग पता लगा सकते हो सो दिस इज कॉल्ड एज एश एनालिसिस मैथड अब देखते हैं कि किताब में क्या लिखा हुआ है अ स्लाइटली डिफरेंट बट डिस्ट्रक्टिव एक्सपेरिमेंट हैज टू बी डन डिस्ट्रक्टिव क्योंकि आप यहाँ पर जो है हीट की बात कर रहे हो जो कि आपके पूरे के पूरे ऑर्गेनिक कंटेंट को डिस्टरप्ट कर देगी डिस्ट्रक्ट कर देगी वन वेज स्मॉल अमाउंट ऑफ लिविंग टिश्यू आपने स्टार्टिंग में लिविंग टिश्यू लिया तो इसके अंदर वाटर भी था तो आप इसे क्या बोलेंगे आप इसे वेट वेट बोलेंगे वेट का मतलब आपका वाटर इसके अंदर इंक्लूडेड है और जब आप इसे ड्राई करेंगे तो क्या हो जाएगा जो बचा हुआ आपका रहेगा इसको आप लोग बोलते हैं ड्राई वेट ऑफ द टिश्यू क्योंकि इसमें से आपने वाटर रिमूव कर दिया है तो जब आप सारा का सारा वाटर इवेपोरेट कर देंगे तो रिमेनिंग जो मटीरियल है इसका वेट को आप क्या बोलते हैं ड्राई वेट क्योंकि यहां पर वाटर कंसिडर नहीं किया गया है नाव टिश्यू को आपने फुल्ली बर्न कर दिया है आपने हीट जो है यहां पर दे दी है तो जितने भी आपके कार्बन कंपाउंड्स यानी ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं ये ऑक्सीडाइज हो जाते हैं और सीओ टू और वाटर वेपर के फॉर्म में रिलीज हो जाते हैं जैसा कि यहां पर हुआ जब आपने हीट किया सो so, जो आपका बचता है सामान इसे आप एश कहते हैं और ऐश के अंदर आपके सारे के सारे इनऑर्गेनिक एलिमेंट्स प्रेजेंट होते हैं जैसे कि आपका कैल्शियम मैग्नीशियम और ये जो आपके इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं जैसे कि सल्फेट फॉस्फेट एक्सेट्रा ये जो है आपके एसिड सॉल्युबल फ्रैक्शन में भी देखने को मिलते हैं एसिड सॉल्युबल फ्रैक्शन यानी आपका फिल्ट्रेट जो कि आपका ट्रा क्लोरो एसिड एसेट के साथ जो है बढ़िया तरीके से कंबाइन हो गया था और चीज क्लोथ से पास भी हो गया था यह हमने लास्ट वीडियो में देखा था तो जो छोटे मॉलिक्यूल्स से जो आसानी से फिल्टर हो जा रहे थे उनमें आपके इनऑर्गेनिक आयंस भी मिलते हैं क्योंकि इनका मॉलिक्युलर वेट बहुत बहुत कम रहता है ओके देर फोर एलिमेंटल एनालिसिस जब आप करेंगे तो आपको एलिमेंटल कॉम्पोजिशन ऑफ लिविंग टिश्यू के बारे में पता लग जाएगा कि इसमें हाइड्रोजन है ऑक्सीजन है यू you नो know, आपका क्लोरीन है कार्बन है आपको सारी चीजें पता लगती रहेंगी कि कौन कौन से ऑर्गेनिक कंपाउंड है टिश्यू के अंदर कौन कौन से इनऑर्गेनिक कंपाउंड है ऑर्गेनिक कंपाउंड है तो उनका नेचर क्या है इनऑर्गेनिक कंपाउंड है तो उसमें कौन कौन से मिनरल्स या मेटल्स प्रेजेंट हैं ओके सो फ्रॉम अ केमिस्ट्री पॉइंट ऑफ व्यू अगर आप एक केमिस्ट हैं तो आप क्या देखेंगे आप देखेंगे कि हर पर्टिकुलर ऑर्गेनिक कंपाउंड में आपका कौन सा फंक्शनल ग्रुप है क्या वो एलडीआड है क्या वो कीटोन है क्या वो एरोमेटिक कंपाउंड है लेकिन सिंस हम लोग बायोलॉजिस्ट हैं तो बायोलॉजी पॉइंट ऑफ व्यू से हम देखेंगे कि क्या वो कंपाउंड एक अमीनो एसिड है जो कि आगे चल के प्रोटीन बनाएगा क्या वो एक न्यूक्लियोटाइड है जो आगे चल के न्यूक्लिक एसिड बनाएगा क्या वो एक फैटी एसिड है जो आगे चल के आपका इंपॉर्टेंट फैट तैयार करेगा ओके okay? या फिर वो आपका कुछ और है क्योंकि अलग अलग तरीके के बायोमोलिक्यूल्स यहां पर होते हैं जैसे आपका प्रोटीन हो गया आपके जो मोनोसेक्राइड होंगे जो यहां पर नहीं दिया हुआ वो आगे चल के क्या बनाएंगे आपका पॉलीसेक्राइड बनाएंगे यानी कॉम्प्लेक्स शुगर बनाएंगे तो ये सारी चीजें आपकी बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है सो ऐश एनालिसिस में क्या किया आपने सबसे पहले वॉटर रिमूव किया तो ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक कॉन्स्टिटुएंट मिल गए जब आपने इसको यू नो बेसिकली हीट कर दिया तो ऑर्गेनिक भाग जाएंगे और बचेगा आपका इनऑर्गेनिक एश जिसको आप लोग एनालाइज कर सकते हो सो दिस इज अ डिस्ट्रक्टिव मेथड यूज फॉर आइडेंटिफाइंग की कौन कौन से एलिमेंट्स आपके प्रेजेंट हैं एक लिविंग टिश्यू के अंदर सो so गाइज अगर आपको वीडियो पसंद आई तो आप वीडियो को लाइक कर सकते हैं चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं एंड बेल आइकन को प्रेस कर सकते हैं सो दैट यू नेवर मिस एन अपडेट फ्रॉम नीट यू इन टेन और अगर आप अन का सब्सक्रिप्शन लेना चाहते हैं तो आप विपिन नाम का कोड यूज कर सकते हैं जिससे कि आप मेरे लाइव बैच में एनरोल हो जाएंगे आपको करना क्या है आपको विपिन नाम का कोड यूज़ करना है और मेरे सोशल मीडिया हैंडल्स पर आपको मुझे स्क्रीनशॉट भेज देना है और अगर आप हमारे ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल पर कनेक्ट होना चाहते हैं तो आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा थैंक यू सो मच गाइज लॉर्ड्स ऑफ लव एंड आई कैच इन द नेक्स्ट वीडियो थैंक यू